माँ सरयू के किनारे कथा करना मेरा सौभाग्य पूज्य राजन जी महाराज। गोरखपुर जिले के बड़हलगंज कस्बे में नेशनल इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित श्री राम कथा का प्रथम दिवस और कड़ाके की ठंड में श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़ ने यह स्पष्ट कर दिया कि कथा कितनी ऐतिहासिक होने वाली है। श्री राम कथा के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक राजन जी महाराज ने उपस्थित जन समुदाय को कथा सुनाते हुए ये कहा कि बड़हलगंज की धरती पर माँ सरयू के किनारे कथा सुनाने का मेरा सपना पूरा हुआ। यह हमारा सौभाग्य है। भगवान राम की कथा माँ सरयू के किनारे इस अपार जनमानस को सुन रहा हूँ। कथा की शुरुआत व्यासपीठ की आरती के साथ हुआ। इसके बाद कथावाचक राजन जी महाराज ने अपने कथा में कहा कि भगवान राम हर किसी के जीवन के लिए आदर्श बन रहा है, वरन व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके इस व्यवहार पर निर्भर करता है। व्यक्ति को अभिमान तब आता है जब उसे लगता है कि कोई कार्य वह व्यक्ति कर रहा है और यही अभिमान व्यक्ति के विनाश का कारण बन सकता है। प्रथम दिवस की कथा में मुख्य यजमान के रूप में पूर्व विधायक सपा नेता विनय शंकर तिवारी, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चौबे रहे। कार्यक्रम के आयोजक श्री हनुमान सेवा समिति के सदस्यों ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर प्रथम दिवस की कथा में लगभग 5000 से ऊपर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। सभी ने कथा का रसपान करते हुए मानस कथा की शुरुआत में भगवान शिव और माता सती की कथा का श्रवण किया।